नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक्स के बारे में कि किन स्टॉक्स को आपको अभी खरीद लेना चाहिए और किस प्रकार से आपको इसको इंट्राडे में 9 अक्टूबर को ट्रेड करना चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं IRCTC। इस स्टॉक को देखते हैं, इस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो 719 रुपये चल रही है। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं चार्ट पे, ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है 724-25 रुपये के आसपास। इस लेवल का एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, इस लेवल पे था पहले एक रेजिस्टेंस, जब इसने इसको पार किया तब ये लेवल सपोर्ट बन चुका था इसमें, और अब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे है। तो IRCTC का ये शेयर एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करके आ चुका है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि ये इस लेवल को अब ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा ये स्टॉक, तो आपको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि कई दिनों से इसने एक रीटेस्ट किया है। लगभग इसने 20 दिन से इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ आया है, और जब ये इस लेवल को पार करेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं आप इस स्टॉक में, तो जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे तब आप इसको बाय करके रख सकते हैं, और आप अपने स्टॉप लॉस को अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में। अब हम बात करते हैं कि कल किस प्रकार से आपको इस शेयर को ट्रेड करना है। अब इसमें हम चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का, और देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास खुले कल के दिन, अगर इस लेवल के अगर ये स्टॉक कल इस लेवल के आसपास खुले और टाइम बताने के साथ ऊपर की तरफ निकलने लगे, इधर ब्रेकआउट हो रेंज का, तब आप इस स्टॉक को बाय करके ट्रेड कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट जो होगा वो इस लेवल पे होगा, यानी 724 का होगा। तो आपको इसमें अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर कल आप इसको ट्रेड करेंगे तो। अगर इधर पे ओपन होता है तो आप इसको बाय रेंज बनने दीजिए और वेट कीजिए, जब इसका ब्रेकआउट हो रेंज का तब आप बाय करके इसको, पहला टारगेट आपको ये लेवल का मिलेगा, और जब इस लेवल का ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अच्छा टारगेट मिल सकता है इस स्टॉक में आपको ट्रेड करने के लिए। अगर ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास ट्रेड होता है तो आप वेट कीजिए पहले इसका, कीजिए अच्छे लेवल पर आए, और अच्छे लेवल के बाद जब आपको देखे कि इस लेवल पे आने के बाद सपोर्ट ले रहा है तब आप उसको बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप IRCTC के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले स्टॉक को, कि अगले स्टॉक का नाम है IRFC। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे इसका सपोर्ट था, 72 से लेके 74 के आसपास इस लेवल पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और इसने लगभग 15-16 दिन इस लेवल के पास बिताए हैं। जब इस लेवल से इसने ब्रेकआउट लिया तो इसने एक हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आया है। अब ये स्टॉक जब इस लेवल पे कुछ रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा इस लेवल में, तब इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, तब आप इसको बाय करके आपका जो टारगेट मिल सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग में वो मिल सकता है लगभग 90 रुपये। इसमें आपको टारगेट मिल सकता है, यानी एक प्रकार से 15% रिटर्न इसमें मिल सकता है, सॉरी 20-25% रिटर्न इसमें मिल सकता है अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो। तो ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं इसको इंट्राडे में किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है मंडे के दिन। अब इसमें हमने चार्ट जो लगाया है वो 15 मिनट का लगाया हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर ये स्टॉक मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, इस लेवल के आसपास इधर पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, और रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तब आप इसको बाय करके इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल इधर पे कहीं पे ओपन होता है
तो आप अभी ट्रेड करना इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है और रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तब ये लेवल आपको सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को कुछ इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले स्टॉक को। अगले स्टॉक का नाम है BEML। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं इस लेवल पे इसका सपोर्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब आपको इस स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मौका मिल सकता है। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 2332 रुपये चल रही है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में और ऊपर की तरफ क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब आपको इस स्टॉक में टारगेट मिल सकता है। जो टारगेट मिलेगा आपको वो लगभग 2600 रुपये के आसपास इसमें टारगेट मिल सकता है, जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा। तो अब हम इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस प्रकार से आपको इसको मंडे को ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। आप चार्ट पे देख सकते हैं इस लेवल इसमें इस स्टॉक में इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, तब आपको इंट्राडे में भी अच्छा मौका मिलेगा ट्रेड करने का। और आपको कल किस प्रकार से ट्रेड करना है, अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास खुलता है और टाइम बिताने के साथ ऊपर की तरफ निकलता है, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। और आपको पहला टारगेट इस लेवल का मिलेगा। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तब आपको अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में मिल सकता है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। तो कुछ इस प्रकार से आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और इस लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो याद रखिए इन लेवल्स को। अब हम अगले स्टॉक को देखते हैं। इसके ये स्टॉक है RBNL। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं इस लेवल पे इसका सपोर्ट था और इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस है। जब इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट होगा, तब आपको अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा और लगभग 200 रुपये पे आपको इसका पहला टारगेट देखने को मिलेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो आप इसका इंतज़ार कीजिए, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, तब आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है और लगभग आपको 15% इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टॉक को पोजिशनल ट्रेडिंग में कर सकते हैं। और इसको हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए, कि मंडे को किस प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पे कि इस स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर खुलता है, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है और टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तब आप इसको बाय करके इंट्राडे में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें लगभग आपको 4-5% रिटर्न दे के जा सकता है ये स्टॉक आपको। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।